नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा रावानी। आप देख रहे हो द टेक्निकल किंग चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सैमसंग M30 और रेडमी नोट 7 का कंपेयर वीडियो बनाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा फ़ोन को आप लोग को लेना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो सैमसंग M30 पे आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी दिया गया है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 पे आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ग्लास भी मिलता है। और साथ ही दोस्तों, आपको 2.5D का कर्व ग्लास भी दिया गया है। दोनों ही फ़ोन पे दोस्तों, आपको ऊपर की ओर ड्रॉप नॉच भी दिया गया है। अगर बात करें दोनों ही फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो सैमसंग में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां दोस्तों आपका फर्स्ट कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है, जो दोस्तों 1.9 एपेचर के साथ में आता है। जो सेकेंड कैमरा है दोस्तों, वह है 5 मेगापिक्सल का। एंड जो थर्ड कैमरा है, वह भी है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का, जो दोस्तों 2.2 एपेचर के साथ में आता है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो फर्स्ट कैमरा वह दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकंड कैमरा वह है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का। 48 मेगापिक्सल कैमरे में आपको सोनी का IMX586 का सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए दोस्तों, सैमसंग M30 पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो दोस्तों 2.0 एपेचर के साथ में आता है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 पे आपको 13 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर बात करें दोस्तों दोनों फोन के कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सैमसंग M30 पे आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ कैमरे का नंबर बढ़ाने से कैमरा का क्वालिटी नहीं बढ़ता है। अगर बात करें दोनों ही फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग M30 पे आपको एक्सिनोस 7904 का प्रोसेसर मिलता है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 पे आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर दिया गया है। स्नैपड्रैगन 660 एक पावरफुल प्रोसेसर है, पर दोस्तों एक्सिनोस 7904 उतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। हालांकि आप दोनों ही फोन पे आराम से पबजी खेल सकते हो बिना किसी लैग के, पर दोस्तों रेडमी नोट 7 पे आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। अगर बात करें दोनों फोन के बैटरी के बारे में, तो सैमसंग M30 पे आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 पे आपको 4000 mAh का बैटरी भी दिया गया है। रेडमी नोट 7 पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। फोन पे दोस्तों आपको टाइप सी चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर बात करें दोनों ही फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो सैमसंग M30 दो वेरिएंट में आता है। जो फर्स्ट वेरिएंट है, वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस दोस्तों लगभग 15,000 हो सकता है। एंड जो सेकंड वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, इसका प्राइस का दोस्तों कोई भी खुलासा अभी नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से दोस्तों, इसका प्राइस 18 से 19 हज़ार के बीच होना चाहिए। अगर बात करें रेडमी नोट 7 के बारे में, तो रेडमी नोट 7 दोस्तों 3 वेरिएंट में आता है। जो फर्स्ट वेरिएंट है, वह 3GB रैम 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस दोस्तों लगभग 10,500 हो सकता है। एंड जो सेकंड वेरिएंट है, वह है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस दोस्तों लगभग 12,500 हो सकता है। एंड जो है हायर वेरिएंट है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, उसका प्राइस दोस्तों लगभग 14,500 हो सकता है। सैमसंग M30 दोस्तों 27 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वहीं दोस्तों, रेडमी नोट 7 28 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इन दोनों ही फोन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, रेडमी नोट 7 एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों रेडमी नोट 7 का जो प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। रेडमी नोट 7 का प्राइस सिर्फ 10,500 है, हो सकता है दोस्तों इससे भी कम हो। इसमें दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, आपको दोस्तों 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है। अगर दोस्तों आपको एक अच्छा बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, तो आप सैमसंग M30 ले सकते हो। पर दोस्तों दोनों फ़ोन का जो प्राइस है, उसमें 5,000 का अंतर है, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि रेडमी नोट 7 ये बाजी जीत जाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इन दोनों फ़ोन के बारे में? आप लोगों को क्या लगता है कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।